सबसे पहला सवाब मिसिज़ अब्दुल्ला कहते हैं कि अगर शौहर तबलीगी जमात में निकले हों तो इस दौरान में बीवी घर में कौन से अमाल करे। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। बड़ा अच्छा सवाल है। पहला तो ये कि ज़ाहिर है कि पंच वक्ता नमाज जो है फ़र्ज़ नमाज वो पाबंदी से अदा करे और पूरी पूरी रकात के साथ अदा करे, क्योंकि फुर्सत भी है, टाइम है घर में और शौहर की बहुत सी जिम्मेदारी इस वक्त उसके सर पे नहीं है। पूरी पूरी जो है वो रकात के साथ, यानी फजर की 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज़, इसी तरीके से ज़ोर की पूरी 12 रकात पढ़े, 4 सुन्नत 4 फ़र्ज़ 2 सुन्नत 2 नफिल, फिर असर की पूरी 8 रकात पढ़े, 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा उसके बाद जो है वो 4 फ़र्ज़ पढ़े, मगरिब की पूरी 7 रकात पढ़े, 3 फ़र्ज़ 2 सुन्नत 2 नफिल, फिर ईशा की पूरी 17 रकात पढ़े, 4 सुन्नत सबसे पहले सुन्नत गैर मुअक्कदा, फिर 4 फ़र्ज़ पढ़ें, 4 फ़र्ज़ के बाद फिर 2 सुन्नत पढ़ें, फिर 2 नफिल पढ़ें, फिर 3 वितर पढ़ें, फिर उसके बाद फिर 2 नफिल पढ़ें, गोया कि 17 रकात। तो गोया कि नमाज की पूरी पूरी रकात आप पढ़ें, क्योंकि आपके पास फुर्सत है और घर में आप जो है अब अल्लाह की तरफ रुजू रखें, क्योंकि आपका शौहर अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ है। क्योंकि ये मामूली बात नहीं है कि वो राह लिल्लाह के अंदर निकला हुआ अपनी जान माल के साथ, अपने वक़्त के साथ। अब आप घर में बैठ के जो है उसी अल्लाह के साथ राब्ता बांध के रखें और दुआ भी शर्फ़ कबूल की करें कि ये मेरा शौहर या अल्लाह मेरा मजाजी खुदा जो है तेरी राह में निकला हुआ है, उसके उसके निकलने को कबूल मंजूर फरमा और हमें भी उसकी बरक़ात और समरात अता फरमा। एक तो ये अमल करें और दूसरा उसके अलावा जो है कुरान करीम की तिलावत, कुरान की तिलावत जो 1 पारा तिलावत की पूरी कोशिश करें। अगर वो चिल्ले में निकले हुए हैं तो आप जो है वो 1 पारा रोज़ पढ़ेंगी तो 1 चिल्ले के अंदर तो कुरान बड़ी आसानी से पूरा हो जाएगा, 30 दिन में पूरा हो जाएगा, बल्कि अब मज़ीद 10 पारे भी आप कर लेंगी। तो एक जो है वो जो है पारा रोज़ कुरान करीम की तिलावत का अहतमाम करें। इससे ये होगा कि इंशाअल्लाह आपके घर में भी जो है तक़वे का नूर फैलने लगेगा, नफ़ा होगा। और तीसरा अमल करें कि फ़ज़ाइल आमाल की तालीम घर में करें, घर में फ़ज़ाइल आमाल की तालीम करें। अगर और कोई अजीज़ व अक़ारिब हैं घर में रहते हैं बहुत अच्छा, वरना बच्चे हैं औलाद हैं वो हैं उनको शामिल कर लें। अगर अकेली औरत है तो कोई बात नहीं, ईशा की नमाज से जैसे फ़ारिग़ हो तो फ़ज़ाइल आमाल ले लें। अब उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों से थोड़ा थोड़ा पढ़ें। तो 5 मिनट की तालीम जो फ़ज़ाइल आमाल की करें, 5 मिनट की तालीम रोज़ाना करें और उसके बाद अल्लाह से खैर मांग लें। भाई ये इन अमाल की पाबंदी कर लें तो इंशाअल्लाह वो जो अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हैं आपके शौहर, उनकी भी बरक़ात और समरात आपको मिलेंगी। क्योंकि ज़ाहिर अल्लाह के रास्ते में जो निकलता है तो उनको तो नफ़ा पहुँचता है, और जो पीछे मौजूद है यानी बीवियाँ घरों के अंदर अपनी इफ़्फ़त और पाक दामनी को हिफाजत के साथ ले कर बैठी हैं और शौहर की इज़्ज़त और आफ़ियत को यहाँ संभाल के बैठी हैं, तो ये बहुत बड़ा काम है कि उनकी पूरी राह लिल्लाह के अंदर जितने मुजाहदा रियाज़त हैं ये औरत उसके अंदर पूरी पूरी शरीक रहती है, उसका पूरा पूरा नफ़ा पहुँचता है। बस इन चीज़ों की पाबंदी करें, इंशाल्लाह आपके लिए खैर ही खैर है।